गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व किया था, सो इन दिस लेक्चर हम एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। तो जो 3.6 है वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से सुनिए, मैं वन बाय वन समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, 26 चिल्ड्रन आर इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। प्ले ग्राउंड में 26 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। 11 आर गर्ल्स, हाउ मैनी आर बॉयज़, ठीक है। अब बताइए एक प्ले ग्राउंड है, ठीक है, कोई भी प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे 26 चिल्ड्रेन है, ठीक है, 26 चिल्ड्रेन है। उसमें से अगर बताइए 11 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। आई बस समझ में, जब 20 टोटल है उसमें से 11 गर्ल्स हैं तो हम जितना माइनस कर देंगे जो आएगा वो बॉयज़ हो जाएंगे, होगा ना। तो ये देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 26 माइनस 11 तो ये क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर 15, तो हम यहाँ भी फील कर देंगे 15, ठीक है। आज मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, बाद में इसे नोट में कैसे कंप्लीट करना है वो समझाऊँगी, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनिए, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर टू क्या है। तो क्वेश्चन नंबर टू है, देयर वेयर 85 चिल्लीज ऑन अ प्लांट, यहाँ पे 85 चिल्लीज है। चिल्लीज यानी क्या होती है, मिर्ची, ठीक है। तो 85 मिर्ची लगी हुई है प्लांट में, ठीक है। मिर्ची के प्लांट आप लोग ने देखा है, तो ये देखिए यहाँ पे छोटा सा ये प्लांट दिखाया गया है, ठीक है। देखिए इसमें कितनी सारी मिर्ची लगी है, तो चिल्लीज लगी हुई है, ठीक है। तो कितने चिल्लीज लगी हुई है, 85। अब बताइए उसमें से 49 चिल्लीज फेल ऑफ, यानी 49 चिल्लीज टूट कर गिर गई, तो ये बताइए हाउ मेनी चिल्लीज वेयर लेफ्ट ऑन द प्लांट, तो कितनी चिल्लीज ये प्लांट में रह गई। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो 85 यहाँ भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना कि कितनी बची। कहीं पर भी रिमेनिंग या फिर लेफ्ट वाला टर्म आता है ना, कहीं भी देखिए यहाँ पर लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, ठीक है, हाउ मेनी बॉयज़, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं ना, कुछ दिया रहता है और कुछ पूछता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा 85 माइनस 49, ठीक है। अब इसे हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो 85 में से 49 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 5 में से 9 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15। अब 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। आप फिर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए अपने ये लिख के जो मेथड मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो काउंट डाउन करके 15 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसे एक बोरो दे दिया, तो ये क्या बचा, 7 बचा, ठीक है। अब 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 36। तो ये हमारा आ गया 36, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 49। तो आंसर क्या आ गया, 36। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तान्या इज 8 ईयर ओल्ड, ठीक है। तान्या एक गर्ल है, वो 8 ईयर ओल्ड है, ठीक है। उसके बाद हर ग्रैंड मदर इज 62, उसकी ग्रैंड मदर जो 62 ईयर ओल्ड है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द एज बिटवीन द टू, देखिए ग्रैंड मदर सबसे ज़्यादा एज किसकी होगी, ग्रैंड मदर की होगी, ठीक है। तो हम इसे ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, जिसकी एज ज़्यादा होती है वो ऊपर, ठीक है। उसके बाद तान्या की कितनी है, 8। तो पूछा डिफरेंस, देखिए ध्यान से डिफरेंस पूछे, रिमेनिंग कितना बचा, लेफ्ट कितने हुए, ये सारे टर्म्स में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 62 माइनस 8, आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये इसमें बोरो लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, ठीक है। 4 ये इसको दे दिया तो ये 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 54, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन तान्या एंड हर ग्रैंड मदर इज़ 54, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है। आप इसे बुक में ही कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करिए होमवर्क, ठीक है। नोट में कैसे कंप्लीट करना है ये मैं बाद में बताऊंगी।